खच्चर में बैठने जा रही हूँ। दीदी दीदी किराए 1000 रुपए किराए दो। हम जाएंगे अपने ससुराल के लिए और दीदी जाएगी अपने। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 6:30 हो रही है और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी संगम बंतोली से हो रही है, जो कि गोंडार गांव से 1 किलोमीटर इधर है। और यहाँ पे मेरे बड़े वाले चाचा जी और चाची जी रहते हैं। यहाँ पे भी हमारा होटल है। तो कल रात जब हम मदमेश्वर से आए थे, कल तो रात को हम यहीं पे रुके थे और यहीं से मैं आज वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। का मौसम बहुत ही बेकार हो रखा है, एकदम बादल लगे हुए हैं। आज धूप हल्की है, मुश्किल होने वाली है। नीचे साइड मौसम साफ है और ऊपर साइड बादल लगे हुए हैं। नाश्ता नुश्ता तो हमारा हो चुका है और हम तैयार भी हो चुके हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं अब वापस घर आज, और दीदी लोग भी हैं तो दीदी लोग और हम सभी जा रहे हैं। और ये है मेरा भाई, तो ये भी खच्चर लेके अतोलीधार से तक जा रहा है खच्चरों को। वहाँ से इसने यात्री को बिठा के फिर वापस मदमेश्वर लेके आना है। तो अभी खच्चर तैयार कर रहा है जाने के लिए। हैं तो खच्चर में बैठी जा। एक ये है, एक उधर पे है। लनी खाए तो अंता बार में हाय कर लो। ये मीना कल आए, आज हम वापस जा रहे हैं, ये कल आए हैं, ये पहले से नहीं आई, कल आ रही है। दीदी भी तैयार हो गई है और अब चलेंगे हम यहाँ से घर। खुद भी लग रही है और मेरे को नहीं लग रही है, मेरे को भी लग रही है। ये हमारी भुल्ले की बुआरी, जिसे हम गढ़वाली में भुल्ले की बुआरी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई की बीबी। और आज ना पता हमारा सामान आज खच्चरों में जा रहा है, बैग और झाड़ू। आज हमको ऐसे ऐसे खाली हाथ जाना है। ऋषि सब तैयार हो गए हैं। अभी हम गोंडार गांव में पहुंच चुके हैं और अब रचना जाएगी यहां से मुकुड़ा और हम जाएंगे यहां से घर। तो रचना ने भी आजकल काफ़ी दिन हमारे साथ बिताए हैं। ठीक है दवा बाय बाय घासो तो बोण ढंग से जाए। इसको देखो रोना आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है रोना, पर मैं ना यहाँ अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रही हूँ। एक बेटी जब मायके से ससुराल जाती है तो कैसा फील होता है हम बता नहीं सकते हैं। फिर भी क्या ही करें, जाना तो पड़ेगा ही। और अभी देखते देखते ना मस्त वाली धूप खिल चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम एकदम से पैक था और अभी मस्त धूप खिल चुकी है। चले पता नहीं अब यहाँ पे कब आना होगा, सीधे अगले साल। आज मेरी आवाज़ थोड़ा सा अलग लग रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई है, जुकाम और गले में दर्द और बुखार हो गया है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी है और ऊपर ठंड है ना, तो फिर वही ठंड की वजह से ना, मौसम चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और आवाज़ भी बहुत चेंज लग रही होगी ना, आपको भी लग रही है मेरे को। उस लकी को देखो खच्चरों में बैठ रखा है, वो भी बिना काठी के। खच्चरों को देख के डर रहा है क्योंकि इसने कभी खच्चर देखे नहीं है और इसको फुल एक्सपीरियंस है खच्चरों का, क्योंकि इसके पापा के भी और इसके ताऊ के भी खच्चर हैं। और अभी देवीधार में पहुँच चुके हैं तो मैं यहाँ से खच्चर में बैठूंगी, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। दीख चु बैठेगा पहली बार खच्चर में कड़ा बड़ो दीख चु है चलो। ये भैया हमें उचोड़ देना यू।
चुड़म वो चुड़नो ना जब पता भी नहीं चुड़न करा बैठ कमड़े देख बोल रहा है कहीं घोड़ा का बल्ब फिल्म की तरह भागेगा तो नहीं। तो गाइस मैं फर्स्ट बार खच्चर में बैठने जा रही हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। ये अभी बैठने देता मेरे को मेरा मेरा मेरे खच्चर का लगाम पकड़ने वाला दीदी दीदी भी बैठ गई घोड़े में पीछे से इसमें हम हाँ इधर दे बैग मेरे पास भी लकी बहुत बैठी भी देखना तो बाहर बैठी चुके हैं अक्तौली धार में और यहाँ से जाएंगे हम गाड़ी में। पैदल सफर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। और वे निक जी खड़े लग लो चल निकाल आदमी का देख किराए 1000 रुपये उन किराए दो। तो बहुत थकान लग गई है, ऊपर से तबीयत खराब हो रही है, तो थोड़ा सा हम भी खच्चर में बैठे तो उतनी अभी थोड़ा थकान नहीं लगी है और मस्त मज़ा आया है खच्चर में बैठने में। पहली बार बैठी हूँ। अब यहाँ से जाएंगे हम गाड़ी में तो देखते हैं कि यहाँ पे हमको गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। इस टाइम पे तो लगता है कम ही गाड़ी होगी, अगर सवारी होंगे तो तभी जाएगी, नहीं तो क्या ही करें दीदी, पैदल जाना पड़ेगा। और अभी ना हमने रांसी गांव में भी जाना है, अगर डायरेक्ट हमको उखीमठ जाना हो तो तब अलग बात थी, हमको रांसी गांव में काम है तो रांसी गांव में भी जाना है। और पता नहीं हमको यहाँ पे गाड़ी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लगी और ये राशि है तुम ये है राशि के और ये बोल रहे हैं हमको वीडियो में निकाल दो तुम्हारी गाड़ी छो सच्ची। तो गाइस गाड़ी तो लगी है यहाँ पे, पर देखते हैं इसमें सवारी कितने हैं। पहुँचे और अभी इसमें सवारी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। एक तो मिल चुकी है हमको गाड़ी, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंतजार बस इस बात का है कि सवारी कितने होते हैं, जल्दी जल्दी होंगे तो रांसी गांव में भी जाना है। सवारी नहीं होगी तो बुकिंग पड़ेगी। हाँ बुकिंग तो नहीं देंगे हम, बुकिंग में नहीं सीधे किराए में। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और भाई जाएगा यहाँ से घर, ठीक है बाय बाय। और हम जाएंगे यहाँ से उखीमठ इस वाली गाड़ी में, हम सिर्फ रांसी तक जाएंगे, फिर रांसी गांव में जाएंगे और वहां से हम दूसरी गाड़ी में जाएंगे। अभी हम रांसी गांव में पहुंच चुके हैं और रांसी गांव तक हम इस वाली गाड़ी में आए हैं और यहां से ऊपर मेरी बुआ जी लोगों का घर है तो हमको वहां पे काम है, बुआ जी लोगों के घर जाना है, तब तक दूसरी गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी तो यहाँ से हम दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे। और यहाँ पे बैग वगैरह हम यहीं पे दुकान में रखते हैं और यहाँ से ऊपर रांसी गांव बुआ जी लोगों के यहाँ घर जाना है। अभी हम रांसी गांव में आ चुके हैं और अभी मैं अपनी बुआ जी लोगों के घर पे आ रही हूँ तो दोनों मेरी दोनों बुआ एक ही गांव में हैं रांसी गांव में। तो बड़ी वाली बुआ लोगों के घर पे गए थे हम क्योंकि मेरे मामा जी गुजर चुके थे तो हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि पस्तौदी ने जाना है, तो हम अभी बड़ी वाली बुआ जी लोगों के घर पे गए थे और अभी आ चुके हैं छोटी वाली बुआ के घर पे। तो वहाँ ऊपर में मैंने वीडियो नहीं बनाया है, अच्छा नहीं लगता है, तो अभी नीचे छोटी वाली बुआ लोगों के घर पे आ रखे हैं तो बुआ जी से भी मिलवाते हैं आपको। ये है मेरी छोटी वाली बुआ और बुआ जी की बहू।
हाई कर लो कुछ तो बोला। यानी कि हमारी भुल्ले की बुआरी जिनकी शादी में मैं आ रखी थी 2-3 महीने पहले, तो अभी यहाँ पे पकौड़ी और पूरी बना रखी है क्योंकि आज क्या है ये बुआ के चलो आज ना संक्रांति है ना, घोड़े संक्रांत बोल जी था हम अपन मनोना ना ये ना साइड पने ससुराल साइड मनी मनोना ये ना घोड़े खच्चरों का त्यौहार होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे घोड़े खच्चर ज़्यादा होते हैं, तो घोड़े खच्चरों का पुराने ज़माने में लोग त्यौहार मनाते थे, लेन देन होता था इस दिन ना, मतलब जो घोड़े खच्चर कोई बेचता था कोई लेता था, तो उसी त्यौहार को आज भी हमारे गढ़वाली में मनाते हैं इधर साइड मेरे मायके साइड में, तो ससुराल साइड में नहीं मनाते हैं। बस थोड़ा हमने पूरी पकौड़ी खाई है, अब चलते हैं वापस। वो पुपू ने बुजड़ी भी दिया है देखो कलियो और कुछ बन चाणा अब बुआ था कुछ संदेश दी और चाणे रेखा दी तन भी मेरी वीडियो डेली दिए गई ए रेखा दी अब भतीजी अच्छी तरह से मिलो आ आगे मामल मैं पकौड़ी बने वाले बस से रेखा दी तेरे हाँ। आगे है नीचे रोड में और यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। हम राउंड लेक में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे अपने ससुराल के लिए और दीदी जाएगी अपने ससुराल के लिए। बाय बाय। और दीदी लोगों को अब यहाँ से बेडुला तक पैदल जाना है और हम जाएंगे अब गाड़ी में, अब ये करेंगे पैदल सफर फिर से शुरू। अभी मैं घर में पहुंच चुकी हूं और हमने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और ये है मिक्की। हेलो मिक्की, हाय करो। हाय। इधर देखना, हाय कर। भैया के बिना कैसा लगा तेरे को? अच्छा। भैया के बिना अच्छा बेकार नहीं लगा तेरे को? हाँ। भैया की याद भी आ रही थी? हाँ। कितनी ज्यादा याद आ रही थी? बहुत। हाँ। अभी क्या खा रहे हैं? कौन लाया? हाँ? तो अब करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। दाल तो रखी हुई है, अब मुझे भात बनाना है और यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिया है। और तो जैसे ही ससुराल में पहुँचते हैं तो काम ही काम शुरू हो जाता है, और वैसे भी आजकल मैं कई दिनों तक मायके में थी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। लोग दूसरा गुड़ाई करने भी बैठ गए हैं, धान में दूसरी बार भी गुड़ाई करने बैठ गए हैं, धान में मोया लगाने भी बैठ गए हैं, और मेरा बहुत सारा काम रह गया है जो मुझे अब फटाफट से पूरा करना है। तो चलिए गाइस खाना बनाती हूँ, वीडियो को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आम खाने से मेरे को बुखार आ रहा है, बाय। खा रही हूँ मैं फिर भी बुखार आ रहा है फिर भी खा रही हूँ। बाय बाय।